इस पे नहीं गए हैं अभी। ओके तो गाइस पैसा भी मिल गया। आगे पहुंचा मतलब 10 किलोमीटर रहा था ना, तो धड़ाम नीचे की थी 10 की स्पीड पे, तो जूता भी फट गया थोड़ा सा, फील हो गया आज। पापा को भी गिरा दिया, हर कुछ भी गिर गया 10 की स्पीड के साथ। फिलहाल मंडी और ऊपर से जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब हो गया, टिप टिप बरसा बरसा नहीं टिप टिप बूंदे आ रही है ऊपर। अरे कहना क्या चाहते हो ऊपर से? चलिए शुरू करते आज का ब्लॉग बिना किसी देरी किए हुए। चिकड़ा बहुत ज्यादा हो गया रोड में। आगे का ब्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे मंडी या पंडो से, क्योंकि आना बहुत ज़्यादा मौसम भी ख़राब है, अभी ऊपर से रोड सिंगल है और रोड की हालत ऐसी है कि अब देखना आप आएगी मेन रोड यहाँ से नीचे, और बाकी लैंडस्लाइड भी हो रहा है ऊपर से। तो चलिए मिलते हैं सीधे पंडो या मंडी में, यहाँ देखिए पहले एक वाटरफॉल। ओके तो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच गए पंडो और अभी हम जा रहे हैं फिलहाल मंडी। मंडी क्यों जा रहे हैं? तो मंडी हम आज बाय कर रहे हैं एक लैपटॉप मैं ले रहा, मेरे भाई के लिए ले रहे हैं लैपटॉप। फिर अभी देखते हैं कि क्या बनता प्रोग्राम। अयो वो पानी बहुत ज़्यादा है, सारा पानी आया नीचे, फिर घुस गया पानी। भाई केड़ी गल ये करनी बात करने के लिए। देखो ये वाली कट कितनी बारी आई है, ये वाली सियाज वाली कट, ये वाला जो पेट्रोल पंप है लोग हमेशा यहाँ पर धोखा खा जाते हैं, अपने 5 मिनटों वेस्ट कर ही देते हैं यहाँ से, वहाँ से उधर जाने का कोई 3 महीने हो गए इनको। बाबा को निकालना है पैसा, यहाँ कर लेते थे लड़का लेना सर्विस का, वो भी चचा सर्विस करवा ली। बैग को दे दो इधर, खा लेते उतरे में बाहर। क्या वेट कर करके कोयला बन गया, सीधा ऊपर है सूरज देवता। मैं भी क्यों खड़ा हूँ बाहर, अंदर जाता हूँ एसी की हवा खाता हूँ थोड़ी सी। तो भाई सबसे पहले हम भर लेते हैं इसमें तेल, और एक और गेम बन गई है कि जो मंडी वाला रास्ता वो बंद हो चुका है, वहाँ से नहीं छोड़ रहे हैं, बाकी अब जाना पड़ेगा गोहर वाले रास्ते में बाया गोहर चार चौक होके, जो कि बहुत मतलब 2 गुने में पड़ेगा। अब इतनी गर्मी तो अब देखते ही क्या बनता प्रोग्राम। अभी तो ऊपर से गर्मी, ऊपर से भीड़। 2000 years later. फुल दो। फुल दो। ओके। वो भाई आगे बोले कि ढाला इतना है कि आदमी भी नहीं जा सकता, उतना ज़्यादा ढाला हुआ तो मतलब आज इम्पॉसिबल है कि यहाँ से जाए। अभी लगभग 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो अब तो मेरे को रास्ता वही दिख रहा है कि अब चल पाया चल जॉब और से होके जाना पड़ेगा। करना फिर छुट्टी जाना कल ऑप्शन बुलाया जाने जाना मंडी जाना तो पौना ने चलो देन फिर हम लेट हो जाएंगे। तो गाइस अभी हमने डिसाइड किया कि अभी हम जा रहे हैं बोर, तो क्योंकि पापा को भी आज ही छुट्टी है फिजिकल से रिलैक्सेशन की ड्यूटी है इनकी कुछ, तो यहाँ से लेंगे ये वाला टर्न। इन रोडों की हालत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये पूरे रोड ऐसे ही आगे वो एक गड्ढा था बहुत बड़ा, हमें याद है वो गड्ढा, ये देखो। तो
ऐसे ना रिएक्शन भी बहुत आ रहे हैं बंदों के, जो ये मैंने मुंह में सेटअप लगाया हुआ है, सारे बंदे इधर से उधर देखते रहते हैं। मतलब वो मिलती है आपको क्या बोलते हैं उसको, ये देखो सारे बंदे घुसे, अब परे से हटे बंदे सारे, और जो अब लग गई लाइनें यहाँ से, अब ये है सिंगल रोड, अब इसमें फंसेंगे जाम में, तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ये सफ़र हमारा। जो मैंने डिटेल बताया था आधा पौना घंटा, अब आधा आधा घंटा तो ऐसे फंसेंगे जाम में। हाँ, एक बंदा कमेंट कर रहा था वो जाम वाला ट्रैफिक वाला सीन, तो भाई हमारे को ऐसा सीन है कि हमारे आदत नहीं है यहाँ ट्रैफिक का, तो हम समझ लेते हैं कि ऐसे मान लो चार पांच गाड़ियाँ फंस गई तो वो ट्रैफिक है। हम अपने आप को वैसे तसल्ली देते कि नहीं यही ट्रैफिक है, और ऊपर से आ गई बस फिर से फंस गई, इसको हम बोल सकते कि ये ट्रैफिक है। बहुत बुरे फंस गई आज, बहुत ही ज़्यादा वो वाला दिन है हमारा। एक और सीन हो गया था हमारे साथ, बताता मैं एक इंसिडेंट, जिंदगी में पहली बार वैसा सीन हो गया, मेरे को खुद पता नहीं चला कि वो क्या हो गया हमारे साथ। चलो रे, इसे टायर रखूँगा, नाली में घुसा दिया पूरा, बिल्कुल मिला मिला के आइए, ये बोलते हैं पहाड़ी साथ। टाणाणा, इस तरह हम नहीं पहुँचने वाले अब, क्या मिलते सीधे मेरे ख्याल से डिडोर में, क्योंकि रोड जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जो सेटअप लगवाया हुआ है ना ये बहुत ज़्यादा भारी हो गया, और हेलमेट जो है वो बिल्कुल लाइट है, और ये ऐसे अगर जंप लग जाए ऊपर नीचे तो ये आगे से निकल सकता है फोन, तो इसलिए ब्लॉग बनाने भाई, और तो फ़ोन को ख़राब नहीं करने का। तो मिलते आपसे अब सीधे कहाँ, डिडोर या मंडी में। हाँ, इस चिक्कड़ से मेरे को डर लग रहा है, चलो चिक्कड़ वाला इंसिडेंट हुआ क्या, ये ऐसे 40-50 मीटर दूर तक ऐसे चिकड़ी चिकड़ी, बाकी हम चल रहे थे ऐसे कोई 10 की स्पीड से, तो गलती वो रही कि मैं साइड में ऐसे पानी था, मैं चला बीच सेंटर में, तो भी सेंटर से रोड थोड़ी ऐसी जैसी थी, तो एक बार रोड से टायर स्किड हो गया, तो मैंने एक बार वो संभल गया, फिर मैंने सोचा कि क्या पावर लगाना जूते स्पीड से ये संभल जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे पहुँचा, मतलब 10 किलोमीटर रहा था ना, तो धड़ाम नीचे की थी 10 की स्पीड से, तो जूता भी फट गया थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं फटा, ऊपर से पपड़ी निकल गई वहाँ से, तो हाँ ये वाला सीन हो गया आज, पापा को भी गिरा दिया, खुद भी गिर गया 10 की स्पीड के साथ। वाओ, तालियां। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? ये लगा असली जाम, हालत देंगे आप हम। ऐसे इधर हमारे को एक दुकान भी मिल गई, इस पे नहीं गए हैं अभी। अभी हम फिलहाल खाने आए हुए, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, माँ कसम से मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही अब। अरे ले आ भाई, जल्दी ले आ। ओके, तो दाल चावल। ओके, तो गाइस अभी हम निकल गए मंडी से सुंदर नगर, और पापा चला गया घर, तो अभी निकलेंगे यहाँ से, मौसम भी जो है थोड़ा जैसा ख़राब भी हो गया है, तो आज ना बहुत ज़्यादा वो ड्राइव कर लिया है हम, पंडोर से गोर, गोर से चैल चौक, चैल चौक से डिडोर, डिडोर से इधर मंडी, और मंडी में लगे 2-3 घंटे, और एक तो दुकान नहीं मिल रही थी, तो अभी जाके थोड़े फ्री हुए, खाना खुना खाया, हमारे को थोड़ा सा काम है सब्जी मंडी में लेना है थोड़े से पैसे। ओके, अभी हम पहुंच गए सब्जी मंडी। नरेंद्र भाई, ओके, तो गाइस पैसा भी मिल गया,
तो अभी निकलते हैं सीधे सुंदरनगर जी, है सब्जी मंडी। सो अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट सीधे सुंदरनगर, अपना सोने का मन कर रहा है। अभी हम पहुंच गए चतरोखड़ी चौक और हम जाएंगे सीधे ऊपर। तो फाइनली पहुंच गए हम सुंदरनगर। तो गाइस ये था एक छोटा सा ब्लॉग, होप करते हैं कि आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी और बढ़िया से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।